मोरखा जो कि नाग देवता का स्थान और यहाँ बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है जो कि छिंदवाड़ा और बैतूल जिले के बॉर्डर पर है। हम मोरखा की बात कहें तो यहाँ पर विशेष कहानी आती है, पुरानी मान्यता है कि बेल नदी में श्री नाग देवता जी का निवास स्थान रहा करता था, जिनकी पूछ 200 मीटर लंबी मंदिर तक के उनका फन था और यहाँ डोमन नामक झील में उनका शरण रहा करता था। वहीं पर वे निवास रहते थे और कई लोगों को उन्होंने अपने साक्षात दर्शन दिए। आपको मंदिर भी जरूर दिखाऊंगा मैं, आगे चलते तो जय श्री महाकाल। और प्रकृतियों के प्रेमियों को मेरा नमस्कार, आप सभी कुशल मंगल होंगे। वैसे हमारे देश में हर जीव पूजनीय है, इसलिए तो हमारे देश को देवताओं की भूमि कहा जाता है। यहाँ गायों को पूजा जाता है तो यहाँ कहीं सर्पों को पूजा जाता है। ऐसे ही आज चलते हैं आपको एक ऐसी स्थान और एक प्रसिद्ध पवित्र जगह जहाँ पर श्री नागदेव बाबा धनगौरी के रूप में विराजमान हैं। धार्मिक दृष्टि से यह जगह बहुत ही पवित्र है। यह पवित्र स्थान छिंदवाड़ा व बैतूल जिला की सीमा पर बना हुआ है, जो अपनी धार्मिक रीति रिवाजों की कहानी संजोए है और सदियों से यह श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र और प्रतीक रहा है। वास्तव में यह प्रसिद्ध मंदिर छिंदवाड़ा जिला के विकास खंड जुनारदेव की ग्राम पंचायत ढाकरवाड़ी के ग्राम निमोटी में स्थित है, परंतु नाग मंदिर मोरखा जिला बैतूल अथवा धनगौरी बाबा मंदिर मोरखा जिला बैतूल के नाम से यह स्थान अधिक प्रसिद्ध है, जो कि बैतूल से आप अगर जाना चाहते हो तो 60 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर पड़ेगा। यहां आप 4-व्हीलर 2-व्हीलर या बस से भी आ सकते हैं। यहाँ आने के लिए सुगम मार्ग बना हुआ है। यह मंदिर हमेशा से आस्था का प्रतीक रहा है। इसके आसपास क्षेत्र के गांव में इस नाग मंदिर की इतनी अधिक आस्था है कि किसी भी समाज वर्ग के लोगों के यहाँ वैवाहिक कार्य होता है तो विवाह के बाद नवयुगल दंपत्ति यहाँ नाग मंदिर में पूज्य अर्चना कर देवताओं का आशीर्वाद लेते हैं और अपने नवीन वैवाहिक जीवन की शुरुआत करते हैं। यह सिलसिला अक्षय तृतीया से लेकर गुरु पूर्णिमा तक रहता है। यहाँ एक छोटे बच्चों का मुंडन भी किया जाता है। इस दौरान बलि के रूप में बकरा या मुर्गा नाग देवता को अर्पित करते हैं व उनके नाम से उन्हें लाल रस्सी कपड़ा बांधकर जानवरों को खुला भी छोड़ दिया जाता है। यहाँ आसपास गांव में किसी के द्वारा वाहन या शुभ कार्य होता है तो पहले पूजा यहाँ मंदिर में ले जाकर वाहन की पूजा करते हैं, उसके बाद में ही उसे अपने कार्य में लगाते हैं तथा बाबा के आशीर्वाद से यहाँ सभी के कार्य सफल होते हैं। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं यहाँ की मान्यता की कैसे इस मंदिर का निर्माण हुआ व बाबा धनगौरी कैसे नाम पड़ा। इस जगह की सबसे पहले बात आती है तो बेल नदी की। बेल नदी के किनारे यह पवित्र स्थान स्थित है। बेल नदी जो कि जुनारदेव की घाटी से निकलकर आमला के डैम में परिवर्तित व लुप्त हो जाती है। तो आइए मंदिर चलते हैं। धार्मिक मान्यता है कि बेल नदी में नाग देवता निवास हुआ करता था, जो बेल नदी है उसमें निवास हुआ करता था, जिनकी पूछ करीब 200 मीटर लंबी थी, जो बेल नदी के पूछ डोह में डूबी रहती थी और देवता का फन मंदिर की जगह पर रहता था। कई लोगों का मानना है कि उन्होंने साक्षात नाग देवता के दर्शन किए हैं। कुछ समय बाद जब यहाँ नाग देवता कई दिनों तक नजर नहीं आए तो स्थानीय लोगों द्वारा यहाँ पूजा हवन यज्ञ से नाग देवता की मूर्ति स्थापित कर दी गई और समय बदलते
करते गया और लोगों के सहयोग से आज यहाँ मंदिर का निर्माण हो गया। वैसे तो यहाँ हमेशा भक्तों का तांता लगा रहता है, पर नाग पंचमी के समय भी जो श्रद्धालु नागद्वारी की यात्रा करते हैं, इस मंदिर को नागद्वारी का प्रवेश द्वार भी मानकर यहाँ से यात्रा प्रारंभ करते हैं। कुछ भक्त तो यहाँ से पैदल पचमढ़ी व नागद्वार की यात्रा करते हैं। यहाँ पोला का त्यौहार जैसे बैलों का दिन कहा जाता है, जिसके बाद ऋषि पंचमी के बाद यहाँ अखाड़े की प्रतियोगिता भी होती है। नाग देवता बहुत सी जातियों में कुल देवता माने जाते हैं। जिनकी कुल देवता होते हैं वो वर्ष में एक बार यहाँ आकर पूजा अर्चना भी करते हैं। लोगों में इस मंदिर के प्रति बहुत आस्था है। नाग पंचमी में यहाँ विशाल भंडारे व मेले का आयोजन होता है जो बहुत दिनों तक चलता है। यहाँ आने का मार्ग बहुत सुगम और सरल है। पहले यहाँ स्थापित मूर्ति थी जो समय के अनुसार जा रही है। इसका कारण एक ही है, जो भी यहाँ आता है मूर्ति के ऊपर सिंदूर चढ़ाते हैं जो इस मूर्ति पर हमेशा चिपका रहता है। तो दोस्तों, जो श्रद्धालु भी यहाँ आते हैं बेल नदी में स्नान करके मंदिर की पूजा अर्चना करते हैं। और वैसे तो आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं, मगर सावन के महीने में यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर और लुभावना लगता है। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत ही अच्छी और सुंदर लगी होगी। कृपया इसे पूरा देख वीडियो।